हे गाइस, तो यहाँ पर मीडिया में काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं जेठालाल के बयानों को लेकर के। जेठालाल ने ये कह दिया दया के बारे में, जेठालाल ने वो कह दिया। तो गाइस, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर पढ़ोगे तो यार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, हमें इस न्यूज़ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, गाइस इस वीडियो में आपको वो पूरी बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा। तो गाइस, यहाँ पर जो एक्टर दिलीप जोशी है, उन्होंने यहाँ पर बयान किया है कि बहुत ही जल्द यानी कि कुछ ही एपिसोड के बाद शो में दया की एंट्री होने वाली। लेकिन दोस्तों, क्या दिशा वकानी ही दया के रोल में आने वाली है, इसमें अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि मामला वहीं का वहीं पे अटका हुआ है। उन्होंने बोला है कि दिशा वकानी ने ये रोल जो है 9.5 साल के लिए किया है और अच्छे तरीके से इस रोल को निभाया है, तो उनको आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो नहीं आती तो हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनके बिना भी शो को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब उनसे बात की गई कि वो दिशा वकानी के टच में है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि उनका कभी भी उनसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रहा है, उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन रहा है। और जब से वो मैटरनिटी लीव पर गई है तो उनसे सिर्फ और सिर्फ हैप्पी बर्थडे के मैसेज विश किए, बस इतना ही हुआ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद दिलीप जोशी ने कहा कि अगर वो उनके काम के बारे में पूछते हैं तो ये सही नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पर एक्टर दिलीप जोशी ने ये साफ कर दिया है कि बहुत ही जल्द यानी कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद ही दया की एंट्री होने वाली है, और दिशा वकानी नहीं भी आती तो भी वो नई एक्ट्रेस के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं शो को। तो ये इन्फॉर्मेशन है, कंक्लूजन निकाला जाए तो। तो गाइस, क्या आप दया की एंट्री के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? तो गाइस, आप अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तक भी अपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।